क्या आप भी एमुलेटर यूज़ करके पीसी पे एंड्रॉयड गेम्स खेल रहे हैं? और क्या आपने भी वो इरोड्स देखे हैं जो कहता है कि आपको वीटी एनेबल करना होगा? तो आपको जब भी आप कोई एमुलेटर यूज़ करते हैं पीसी पे, तो आपको ये बोलता है कि आप वीटी एनेबल कर लीजिए ताकि एमुलेटर अच्छे से चले। अगर विदाउट वीटी अगर आप वो एमुलेटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, 99, 98 उस पर जाके अटक जाता है, वो स्टार्ट ही नहीं होता रहता है। ड्यूरिंग स्टार्टअप वो बहुत लोड लेता है, बहुत टाइम लेता है, एक्सटेंडेड टाइम लेता है। तो इसलिए वो सजेस्ट करता है आपको कि वीटी एनेबल करने के लिए। लेकिन और जब आप वीटी एनेबल कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत स्मूथ चलता है और आप आसानी से कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई भी एंड्रॉयड गेम पीसी पे खेल सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे वीटी एनेबल करते हैं। वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, उसके लिए बस आपको क्या करना है, बायोस में जाना है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे स्टेप वाइज करके कि कैसे आप वीटी एनेबल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमलेश महतो और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। और याद रखिए, रीस्टार्ट करते समय जब वो रीस्टार्ट होगा उस समय में हमें बायोस में जाना है। तो बायोस के लिए आपके डिस्प्ले पे जो भी कीज दिखा रहा होगा प्रेस करने के लिए, वो प्रेस करें। जनरली सब में एस्केप बटन को प्रेस करने के लिए बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप हैं जिनमें डिलीट बटन से भी बायोस में एंट्री मिलती है, या फिर जो भी आपका डिस्प्ले पे दिखाएगा वही आप एंटर करके बायोस में घुस सकते हैं। लेकिन स्टार्ट होने से पहले, ये नहीं स्टार्ट हो गया उसके बाद नहीं, तो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। तो आपको जैसे रीस्टार्ट में जाना है उसके बाद अपना हाथ पहले से उस बटन को, अगर आपको पता है तो पहले से उस पर रखें हाथ। अगर बस क्या करें कि आप डिस्प्ले पे ध्यान से देखते रहें, नहीं तो एक दो बार ट्राई करने से मिल जाएगा। तो जैसे रीस्टार्ट होगा, अब जैसे स्क्रीन बंद हुई अब ऑन होने वाली है, तो क्या करो, मेरे डिस्प्ले की स्केप दिखाता है तो मैंने स्केप प्रेस किया, स्केप प्रेस कर दिया। यहाँ पे नीचे दिखाया भी कि स्केप प्रेस कर दिया गया, अभी मेरा बायोस खुल गया। अब बायोस में आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे माउस और कीबोर्ड्स काम नहीं करते हैं ये फर्स्ट स्टार्टअप मेनू में। उसमें आपको क्या करना है, बस फंक्शनल की का यूज़ करना है। तो सबसे पहले वहाँ पे आप देख सकते हैं F1 सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए, F2 सिस्टम डायग्नोस्टिक के लिए है, F9 बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए है, और F11 सिस्टम रिकवरी के लिए, और F10 जो है बायोस सेटअप के लिए है, और F12 नेटवर्क बूट के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे काम का चीज़ है वो है हमारा F10। तो हम अपने कीबोर्ड पे F10 प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड पे F10 खोज के F10 प्रेस कीजिए। तो मैंने F10 प्रेस किया। अब F10 प्रेस करने के बाद आपको ये पेज खुल के सामने आएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ भी माउस काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड काम करते हैं और कुछ कुछ फंक्शनल की काम करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ऊपर देख रहे हैं ना, वहाँ लिखा है, जहाँ अभी हम क्या मेन में सिलेक्टेड है ऑलरेडी, उसके बाद उसके सामने में है सिक्योरिटी और उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें उस टैब में जाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एरो कीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एरो कीज़ से आप आगे पीछे जा सकते हैं या फिर मेनू चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको राइट एरो क्लिक करना है, एक बार क्लिक के हम सिक्योरिटी में आ गए, और हमें जाना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पे हमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को एनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम और एक बार प्रेस करते हैं, हम आ गए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज के बाद सेकेंड ऑप्शन जो है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का है, और ये मेरा अभी डिजेबल्ड है, देख सकते हैं। लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश किया हुआ है, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है डिजेबल्ड किया हुआ है। अब क्या करना है आपको उसको सेलेक्ट करने के लिए, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज सेलेक्टेड है, लेकिन हमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप डाउन एरो की का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, उसको एक बार क्लिक कीजिए तो आप आ गए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में। वहाँ पे अभी डिसेबल्ड है, माउस से तो हम क्लिक नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। अभी एंटर प्रेस करने के साथ साथ अभी ऑप्शन दिखा रहा है एनेबल और डिसेबल, तो ऑलरेडी डिसेबल पे है। अभी हमें उसको एनेबल करने के लिए वापस एरो कीज का इस्तेमाल करना होगा। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अप एरो कीज, तो अप एरो की को हम इस्तेमाल किए और वो इनेबल के ऑप्शन में शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अभी ये इनेबल दिखा रहा है, लेकिन अभी भी काम बाकी है,
बस इसको करके एग्जिट नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, जो हमने चेंजेस किए हैं सेटिंग्स में उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट कीज आप नीचे में देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है F1 हेल्प के लिए है, और F5 F6 से हम क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, हम एरो की से भी कर सकते हैं, ठीक है। एस्केप से एग्जिट कर सकते हैं स्टार्टअप मेनू को, और एंटर से क्या कर सकते हैं, सब मेनू को खोल सकते हैं। उसी तरह सेट डिफ़ॉल्ट, अगर किसी चीज़ चेंजेस कर दिया हमें लेकिन नहीं पता है कि पहले क्या था, तो उसके लिए हम F9 प्रेस करेंगे। और सेव एंड एग्जिट के लिए अगर कुछ चेंजेस किए हैं उसको सेव करना है तो हमें अप्लाई करना है, तो उसे हमें क्या करना होगा, F10 दबा के यानी कि सेव करना होगा, उसके बाद एग्जिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी F10 प्रेस करके उसको सेव करेंगे। तो S10 हम प्रेस कर रहे हैं, ये आ गया एग्जिट सेविंग चेंजेस। तो हम यहाँ पे यस पे रख के इसको एंटर कर देंगे। अभी ये नॉर्मल बूट होगा। अब हमारा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑन हो चुका है। अब आप कोई भी एमुलेटर खोल के देख सकते हैं, आपको वहाँ पे अब दोबारा वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा कि प्लीज़ एनेबल योर VT फॉर बेटर एक्सपीरियंस या समथिंग ऐसा कुछ करके आता है, तो वो सब अब नहीं दिखाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।